हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठलाल के लोन की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुकी है। और गाइस, गोकुल धाम के मेंबर्स के साथ साथ जब चंपक लाल और टप्पू ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जेठलाल ने हरी भरी बैंक के साथ 100 करोड़ का घपला किया है, सो गाइस टप्पू और चंपक लाल ने गोकुल धाम को छोड़ने का फैसला कर लिया। और गाइस, टप्पू की गोकुल धाम सोसाइटी छोड़ने के बाद ही उनके पास एक बहन आके रुकती है जो की चंपक लाल और टप्पू को अपने साथ ले आती है। और गाइस, वो आदमी किसी और के नहीं बल्कि जेठलाल के होते हैं। और गाइस, बैन में बैठकर टप्पू और चंपकलाल पहुंच जाते हैं उस होटल में जहां पर जेठलाल फॉरनर्स के साथ एंजॉय कर रहा है। और गाइस, वो होटल जेठलाल ने 100 करोड़ रुपए में बुक किया है। और गाइस, वहां पर जाके जेठलाल खुलासा करता है कि उसने बैंक के साथ 100 करोड़ का नहीं बल्कि 300 करोड़ का घपला किया है, जिसे सुनकर चंपकलाल और टप्पू काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सो गाइस, जहां तक मुझे लगता है कि चंपकलाल और टप्पू जेठलाल को लेकर जाएंगे गोकुल धाम सोसाइटी में, जहां पर जेठलाल इस बात का खुलासा करेगा कि उसने बैंक के साथ ये फ्रॉड क्यों किया है और उसने इतना लंबा और बड़ा प्लान क्यों बनाया था। सो गाइस, जेठलाल को देख के तो ऐसा लगता है कि जेठलाल ने जो भी काम किया है वो सभी काम एक दायरे में रहकर यानी एक जेन्युइन काम किया है, यानी कि जेठलाल के घोटाले के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। तो इस देखते हैं अपकमिंग स्टोरी में अब कौन सा नया मोड़ और कौन सा नया ट्विस्ट आता है और आगे किस चीज का खुलासा होता है। सो गाइस, ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइस, फिलहाल आप बताइए कि जेठलाल ने ये फ्रॉड क्यों किया होगा। सो गाइस, आप अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।